नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। मंडलायुक्त अनिल ढेगरा ने 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक चलने वाले क्रीड़ा दिवस की तैयारियों को लेकर आयुक्त सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मंडलायुक्त अनिल ढेगरा ने कहा कि इस बार क्रीड़ा का स्थापना दिवस समारोह 4 दिनों का होगा। हर दिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक प्रदर्शनी लगाई जाएगी और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। इसमें 50 से ज्यादा स्टॉल लगाए जाएंगे। स्टॉलों पर क्रीड़ा के आसपास लगी फैक्ट्रियों के उत्पाद की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। छोटे कारोबारियों को स्टॉल निःशुल्क लगाने का मौका मिलेगा। इस अवसर पर सीओ गिडा अनुज मलिक सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। 166 और रिमेनिंग जो 84 है वो एमएसएमई, ओडीपी, ओडीओपी और एक्सपोर्ट से, मतलब एमएसएमई विभाग कर रहा है सर। अच्छा, ये दिक्कत दिक्कत अभी हमने टारगेट दे दिए हैं। 84 में सभी हैं सर, एमएसएमई विभाग के अंतर्गत। इसमें कितना होगा? 250 सर। इंडस्ट्रीज के स्टॉल है सर। अच्छा, ये मतलब ये दस ही है बाकी? नहीं, गिडा और थोड़ा गोरखपुर से उसमें जो एमएसएमई विभाग के हैं उनको ही मिलेगा। एमएसएमई विभाग में बेसिकली दो तरह की स्कीम चलती है, स्टेट वाइड जो 62 मंडलायुक्त अनिल ढेगरा ने जनपद में संचालित 10 करोड़ से अधिक की लागत से निर्माणाधीन परियोजनाओं के संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मंडलायुक्त अनिल ढेगरा ने कहा कि देवरिया बाईपास से खोराफार तक बनने वाले 4 लेन व निर्माण के कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। कार्यों में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों का अभी तक एग्रीमेंट नहीं हुआ है उनसे बात करके जमीन को एग्रीमेंट करवा लिया जाए, जिससे कि कार्यों को गति प्रदान किया जा सके। उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकता है कि कार्यों को समय अवधियों में पूरा किया जाए। इस अवसर पर सीडीओ संजय कुमार मीना, डीएफओ विकास यादव, एसडीएम सदर कुमार सौरभ सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। हाँ, टाइम दिया गया था, लेकिन ये वाला प्रोजेक्ट सर अब क्रांति खंड को ट्रांसफर हो गया सर। कब हो ये ट्रांसफर? नहीं हुआ है, नेक्स्ट वाला है। नहीं, ये वाला काम ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जी सर, इसमें सर जो है वो रजिस्ट्री वाली मतलब प्रोसेस चालू हो गई है। ये पचास हो गई रजिस्ट्री की, और 3-4 हुई है सर जो है। और ये एक्चुअली सर मैंने क्वेरी किया था इस पे, तो मैं परसों के दिन साइट पे भी गया था सर। रीजन सर जो मैंने एक्शन साहब से बात किया सर, आज ही बात किया था मैं, तो उस पर एग्री नहीं हो रहे हैं। वर्तमान वाला सर भी लिख के होगा, वो तो जो दिया वही होगा ना सर। ट्रांसफर वाली बात हमारे ट्रांसफर रेट के लिए नहीं कर दिया है पहले सर। मैं इसको देख रहा हूँ। सपा जिलाध्यक्ष बृजेश गौतम की अध्यक्षता में लोक बंधु राज नारायण की जयंती के अवसर पर बेतिहाता स्थित पार्टी कार्यालय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सपा जिलाध्यक्ष बृजेश गौतम ने लोक बंधु राज नारायण के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी, जिसके संबंध में सपा जिलाध्यक्ष बृजेश गौतम ने बताया कि समाजवादी महान चिंतक लोक बंधु राज नारायण की 106वीं जयंती मनाई गई। उन्होंने देश के गरीबों के हित में अनेकों कार्य किया है, उनके हक की आवाज उठाया और 69 साल के उम्र में 80 बार जेल गए। हम उनकी जयंती के अवसर पर यह संकल्प लेते हैं कि उनके द्वारा जो भी रास्ता दिखाया गया है उसी रास्ते पर चलते हुए आगे बढ़ते रहेंगे और 2024 में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में सबसे ज्यादा सीट जीतने का काम करेंगे। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए सपा जिलाध्यक्ष बृजेश गौतम ने कहा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में के निर्देश पर आज
समाजवादी चिंतक, महान समाजवादी चिंतक लोकबंधु राज नारायण जी की 106वीं जयंती के अवसर पर देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और जनपद गोरखपुर के वासियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हुए उनके किए गए अपार देश के सम्मान में जो गरीबों की लड़ाई लड़ा जिन्होंने, मजलूमों की लड़ाई लड़ा, दलितों और पिछड़ों की लड़ाई लड़ा, यहाँ तक कि 69 साल की उम्र में लगभग 80 बार वो जेल गए हैं, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस देश के लिए उनका क्या देश के लिए योगदान रहा होगा। मैं ऐसे महान पुरुष सम्मानित श्रद्धेय श्री लोकनायक राम नारायण जी के इस जयंती के अवसर पर बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हुए इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे पुरुषों ने जो कुछ हम सबको रास्ता दिखाया है वो रास्ते पर चलते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। उसी के क्रम में समाजवादी पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय श्री मुलायम सिंह यादव जी की कल हम लोग 22 नवंबर को उनकी जयंती मनाए हैं। साथ ही हम लोगों ने संकल्प लिया है कि 2024 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने के लिए हम समाजवादी लोग पोलिंग बूथों पर जा करके जो मतदाता सूची में नाम बढ़ाने और गलत नाम कटवाने का जो भारत सरकार द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है उसमें हम सभी लोगों ने संकल्प लिया है कि हर बूथों पर पहुंच करके नाम बढ़वाने और नाम कटवाने के लिए लगातार प्रयास किया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी की जो गलत नीतियाँ हैं वह गलत नीतियों को जनता के बीच में बता करके और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के किए गए मुख्यमंत्री काल में बेहतर कार्यों को बताने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को 2024 में सत्ता से बेदखल करने के लिए, आप जानते हैं कि इस बार की जो लड़ाई होने जा रही है 2024 की लड़ाई, इस लड़ाई में समाजवादी पार्टी के लोग तो भारतीय जनता पार्टी के गलत नीतियों से लड़ ही रहे हैं। पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि 2024 में जनता भाजपा के खिलाफ है। किसान, मजदूर, नौजवान, छात्र छात्राएं, बेरोजगार, सबके सब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं। और जो अभी चुनाव संपन्न हुआ है 5 राज्यों में, आपको देखने को मिलेगा 3 दिसंबर को कि इनका सुफड़ा साफ होने जा रहा है और इंडिया गठबंधन के एक मजबूत कड़ी बन करके पूरी ताकत के साथ आएंगे या 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हम लोग। नगर निगम के प्रवर्तन दल की टीम ने अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह के नेतृत्व में जुबली इंटर कॉलेज के बाहर हुए अतिक्रमण को खाली करवाया, जिसके संबंध में अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह ने बताया कि शिकायत प्राप्त हुई थी कि सड़कों के किनारे अतिक्रमण किया गया है जिससे साफ सफाई नहीं हो पा रही है, जिसको देखते हुए प्रवर्तन दल की टीम के साथ राजकीय जुबली इंटर कॉलेज के सामने हुए अतिक्रमण को खाली करवाया गया है। जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, जिसकी वजह से नालियां साफ नहीं हो पाती और गंदगी रहती है, उनके ऊपर जुर्माने की कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि यह अभियान आगे भी चलता रहेगा। बोला कि पैसा लेते हैं कारगिल में, चाचा सब सर्टिफिकेट लेकर आ रहे हैं, चलो वहां से पेंशन ले रहे हैं, कागज ले रहे हैं, थोड़ा कार बाहर कर दांत कर के, हां दांत कर के, ये आगे आगे हटाइए सब, ये आगे हमारे बाबा चलिए भाई हां से भाई पूरा बार बार चलेगा साहब जी यही कोई है हमारे घर वाला नाला देखा
इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह ने कहा कि कई सारे शिकायती प्रार्थना पत्र भी मिलते हैं और जगह पे हम लोग जब रेगुलर जब सफाई अभियान चालू रहता है तो देखा जा रहा है कि रोड के किनारे किनारे अवैध प्रकार की दुकानें लगी रहती हैं। उसी क्रम में हम लोग इस एक हमारा अतिक्रमण दस्ता है और पूरे जोनल अफसर और सैनिटरी इंस्पेक्टर उनकी पूरी टीम राजस्व की टीम और प्रभारी प्रवर्तन दल सभी टीमों को मिलकर ये जुबली इंटर कॉलेज के सामने आज अतिक्रमण अभियान चलाया गया है। जितनी भी दुकानें हैं उत्पाद के आसपास दुकानें हैं सभी जो अवैध रूप से हैं जिनकी कोई लाइसेंसिंग नहीं जारी हुई है उनको आज हटाया जा रहा है और उन पे पेनल्टी भी लगाई। राजकीय जुबली इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर टीचर प्रीमियर लीग प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश प्राथमिक संघ के जिला अध्यक्ष राजेश धर दुबे ने बताया कि गोरखपुर में पिछले साल से टीचर प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई है। पूरे क्षेत्र में शिक्षक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं तो हमें लगा कि टीचर की भी क्रीड़ा प्रतियोगिता करवाई जाए। इससे सभी टीचर भी स्वस्थ होंगे और डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे। इससे सभी अध्यापकों का खेलों में रुचि बढ़ेगा और उत्साहवर्धन होगा जिसकी शुरुआत पिछले साल हुई थी जिसमें 4 टीमों ने भाग लिया था। इस वर्ष 20 ब्लॉकों की 20 टीमें भाग ले रही हैं। उन्होंने कहा कि हम विद्यालय समाप्त होने के बाद प्रतिदिन इसी फील्ड पर मैच कराएंगे और जो टीम विजेता होगी उस टीम को दूसरे जिले के साथ मैच खिलवाया जाएगा। इस अवसर पर बीएसए रामेंद्र सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष राजेश धरदुबे ने कहा देखिए ये गोरखपुर में पिछले साल से टीचर प्रीमियम लीग की शुरुआत हुई है। पूरे क्षेत्र में हमारे शिक्षक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं तो हम लोगों ने सोचा कि कम से कम क्रीड़ा के क्षेत्र में भी हम बच्चों को गाइड करते हैं, बच्चों को अच्छा हम संकुल लेवल पे क्रीड़ा प्रतियोगिता कराते हैं, फिर ब्लॉक लेवल पे कराते हैं, जिले स्तर पे और फिर मंडल और प्रदेश राष्ट्र स्तर पर हम ले जाते हैं। तो दिमाग में आया कि आज के परिवेश में बहुत सारे हमारे साथी अपने कार्य के बोझ से कहिए या आम दिनचर्या के कारण डिप्रेशन में जा रहे हैं। इसके कारण अगर हम खेलों में अपनी रुचि बढ़ावें तो शायद हम उससे उभरेंगे। तो ऐसे में हर क्षेत्र में हम अच्छा कार्य करते जा रहे हैं तो क्रिकेट के क्षेत्र में भी हम लोगों ने सोचा पिछले वर्ष कि क्यों ना हम टीचर प्रीमियम ले करा के जो हमारे साथी हैं उनमें उत्साह का वर्धन करें और विभाग हमारा प्रशासन भी हमारा सहयोग कर रहा है। और पिछले साल हमने शुरुआत की थी 3-4 टीमों ने भाग लिया था लेकिन इस साल हमारे ज़िले के 20 ब्लॉकों के 20 टीम इस TPL में प्रतिभाग कर रही हैं जिसका आज शुभारंभ हुआ है। हम इसको विद्यालय अवधि के बाद के समय में हम इसी फील्ड पर रोज़ मैच कराएंगे और जो भी उसमें जीतेगा जो भी हमारी योजना बनी हुई है उसके बाद फाइनल होगा और जो टीम जीतेगी वो फिर हम चाहेंगे आने वाले दिनों में कि अन्य जिलों से भी हमारी प्रतिस्पर्धाएँ हों जिससे हम खेल के क्षेत्र में भी अपने शिक्षकों को आगे बढ़ाएं। टीमें कहाँ कहाँ से आएंगी? अब पूरे हर ब्लॉक से जितने भी हमारे गोरखपुर में 20 ब्लॉक है हर ब्लॉक की एक एक टीम है। मैं राजेश धरदुबे जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेशी प्रांत पुलिस ऑफिसर्स कार्यालय पर झंडा दिवस मनाया गया जिसके संबंध में SPCT कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि 23 नवंबर 1952 को उत्तर प्रदेश पुलिस को देश में सर्वोत्तम पुलिस बल योगदान के लिए राष्ट्रपति द्वारा झंडा प्रदान किया गया था जिसके उपलक्ष्य में पुलिस झंडा दिवस मनाया गया। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस देश का एक ऐसा पुलिस बल है जिसको ये ध्वज प्रदान किया गया है। उसी की याद में 23 नवंबर को झंडा दिवस मनाया जाता है। सभी पुलिस कर्मियों को DGP द्वारा दिए गए मैसेज को पढ़कर सुनाया गया और सभी को आगे भी इसी तरह की बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए SPCT कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा 23 नवंबर 1952 को उत्तर प्रदेश पुलिस को अपने सर्वोत्तम योगदान के लिए देश के प्रथम पुलिस बल के आधार पर कलर्स जो प्रेसिडेंट द्वारा दिए गए थे उसके आधार पे ये पुलिस झंडा दिवस मनाया जाता है जो कि हम सब लोग इसको पुलिस झंडा दिवस के रूप में और हम सभी लोगों को ये जो सम्मान के रूप में कि उत्तर प्रदेश पुलिस फोर्स जो है वो देश का ऐसा पहला बल था जिनको पुलिस ध्वज प्रदान किया गया था उसी को उसी की याद में हर साल इसी दिन 23 नवंबर के दिन पुलिस झंडा दिवस मनाया जाता है। आज सभी को DGP महोदय द्वारा दिए गए मैसेज को सभी पुलिस कर्मियों को पढ़ाया गया जिसमें ऑपरेशन कन्विक्शन, ऑपरेशन त्रिनेत्र एवं अन्य मिशन शक्ति के अलावा UP 112 इस तरह की तमाम उत्तर प्रदेश पुलिस की जो उपलब्धियां हैं उन सबको बताया गया
और सभी को एक मोटिवेटेड डिसिप्लिन फोर्स के रूप में बने रहने के लिए। स्वर्गीय सुरेंद्र बहादुर सिंह उर्फ गुड्डू बाबू की 7वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस कार्यक्रम का संचालन श्री जगदीश चौरसिया भाजपा नेता द्वारा किया गया व आयोजन वीर बहादुर सिंह पीजी कॉलेज हरनई महू राव गोरखपुर के प्रांगण में किया गया। इस अवसर पर स्वर्गीय सुरेंद्र बहादुर सिंह की मूर्ति पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सज्जनानंद राय द्वारा किया गया। तत्पश्चात धर्मपत्नी श्रीमती अंशु सिंह, ब्लॉक प्रमुख खजनी पिता श्री गुलाब सिंह, खजनी विधायक श्री राम चौहान, संत कबीर नगर सांसद श्री प्रवीण निषाद, पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह जी, खजनी मंडल अध्यक्ष धरणीधर तिवारी, पूर्व विधायक जीएम सिंह, खजनी उप जिलाधिकारी राजू कुमार, क्षेत्राधिकारी खजनी अंशु मालीधर द्विवेदी, संजय सिंह, डॉ. केपी चौरसिया प्राचार्य, प्रधान संघ अध्यक्ष सत्येंद्र बहादुर सिंह, प्राचार्य निलंबुज सिंह, प्रधानाचार्य प्रियंका सिंह, प्रधान अध्यापक एवं कर्मचारीगण आदि बहुत से क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य लोग प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर श्री सज्जनानंद क्षेत्रीय अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि सुरेंद्र बहादुर सिंह एक नेक तथा सामाजिक सरोकार के व्यक्तित्व थे जो समाज सेवा पर भरोसा रखते थे तथा क्षेत्र के विकास के लिए शिक्षा एवं विकास पर बल दिया। इस अवसर पर विधायक श्री राम चौहान ने कहा कि सुरेंद्र बहादुर सिंह अल्प समय में ही अपना स्थान स्थापित कर लिए थे, उनके कार्यों को क्षेत्रवासी भुला नहीं सकते। इस अवसर पर पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि सुरेंद्र बहादुर सिंह परहित सरिस धर्म नाही भाई के विचारों के प्रति मूर्ति थे जो समाज सेवा को ही अपना धर्म मानते थे, जिसको अपना लक्ष्य मानकर कार्य करते थे, जिससे इस क्षेत्र में उनकी पहचान थी। श्रीमती अंशु सिंह ने संबोधन में देते हुए कहा कि मैं अपने पति सुरेंद्र बहादुर सिंह के सपनों को साकार करने का लक्ष्य लिया है, जिसे पूरा करने हेतु शिक्षण संस्थानों के माध्यम से शिक्षा का प्रचार करना तथा असहाय कमजोर लोगों को सहायता के माध्यम से विकास करना है तथा इस अवसर पर वृक्षारोपण का कार्य भी संपन्न हुआ और कंबल वितरण का भी कार्य किया गया, जिसमें गरीब और असहाय पुलिस ने भू माफिया कमलेश यादव के सहयोगी दीनानाथ प्रजापति के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया है। पुलिस की मौजूदगी में जीडीए के प्रवर्तन दल ने भू माफिया दीनानाथ प्रजापति के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया है, जिसमें भू माफिया कमलेश यादव के मैरिज लॉन ढहाया गया। दिलचस्प यह है कि अभी चंद रोज पहले जिला प्रशासन ने भू माफिया कमलेश यादव और उसके सहयोगी दीनानाथ प्रजापति की करोड़ों की बेनामी संपत्ति को जब्त किया था। इसी क्रम में आज एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई और जीडीए प्रवर्तन दल की मौजूदगी में भू माफिया कमलेश यादव के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। गौरतलब है कि भू माफिया कमलेश यादव और दीनानाथ प्रजापति जमीन बेचने का झांसा देकर फर्जी बैनामे के जरिए लोगों को से ठगी किया करता था। भू माफिया कमलेश यादव और उसके सहयोगी दीनानाथ प्रजापति ने करीब दर्जनों लोगों को जमीन बेचने का सब्ज बाग दिखाकर ठगी की थी। आपको बता दें कि भू माफिया कमलेश यादव गैंग पर करीब 44 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं गैंगस्टर एक्ट के तहत कुछ ही दिनों पहले भू माफिया कमलेश यादव और उसके सहयोगी दीनानाथ प्रजापति की करोड़ों की प्रॉपर्टी को जिला प्रशासन ने जब्त किया था। वहीं मीडिया से बातचीत में एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि आज गैंगस्टर एक्ट के तहत भू माफिया कमलेश यादव की जब्त की गई बेनामी संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया है, जबकि जीडीए के एक्सीएन नरेंद्र कुमार के मुताबिक भू माफिया दीनानाथ प्रजापति की करीब 8 करोड़ के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया है।
संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई व एक्सीएन जीडीए नरेंद्र कुमार ने कहा। गोरखपुर के थाना एम्स के अंतर्गत ये कुसमी बाजार नाम का एरिया है। यहाँ पे एक भूमाफिया गैंग, जिसका गैंग का लीडर कमलेश यादव है, उसी गैंग के एक सदस्य जिनका नाम दीनानाथ प्रजापति है, इन लोगों द्वारा जरायम की दुनिया से और फर्जीवाड़े से तमाम तरीके की प्रॉपर्टी, जो सरकारी जमीन सीलिंग की जमीन है, उसको बेचा गया किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर। कई ऐसे मामले आए हैं जिनके अंदर इन लोगों ने पैसे हड़पे हैं और लोगों को जमीन पे मौका नहीं दिया, जमीन पे कब्जा भी नहीं दिया है। इस तरीके की तमाम जो करीबन 44 मुकदमे इस गैंग के खिलाफ लिखे गए, उनमें से 12 मुकदमे दीनानाथ प्रजापति अकेले के खिलाफ है। ये जो आप पीछे मेरी जोल देख रहे हैं, ये दीनानाथ प्रजापति द्वारा बनाया गया था। इसको बिना नक्शा होने के कारण आज जीडीए की कार्रवाई द्वारा तोड़ा जा रहा है, लेकिन ये उल्लेखनीय है कि इन लोगों पर कुल 44 मुकदमे अभी तक थाना एम्स जनपद के विभिन्न थानों में दर्ज किए गए हैं। और ये गैंग करीबन पिछले 12-13 साल से सक्रिय था और इन्होंने मुख्यतः सीलिंग की जमीन पे कब्जा कर रहा है। इनकी 2 किस्तों में, एक बार 104 करोड़ और एक बार 25 करोड़ की, दो किस्तों में पहले प्रॉपर्टी गैंगस्टर एक्ट के तहत सीज की गई थी और अभी वर्तमान में जो ये डिमोलिशन है, ये कार्रवाई उसी के अनुक्रम में करवाई जा रही है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका एक अच्छा इम्पैक्ट है वो लोगों में जाएगा कि माफिया के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई है बहुत जरूरी है। शुरू में एक व्यक्ति इस तरह का मामला लेके आया था, मामले को प्रकाश में लाने के बाद में एक बार यहाँ पे पूरे गांव में अनाउंस कराया गया कि इस तरीके की जो भूमाफिया जो है इसका कोई आपको शिकायत है तो आप आगे बताएं। लोगों के सामने आने के कारण ही ये इस तरीके की कार्रवाई है बाद में अमल में लाई गई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक बार फिर इस तरह की मुहिम जो है लोगों को जागरूक करने के बारे में चलाई जाएगी। जो भी पीड़ित है उनको मैं अनुरोध करता हूँ कि आप आगे आएँ और अपनी बात बताएं। पुलिस 100% कार्रवाई करेगी और लोगों को रिलीफ मिलेगी। थैंक यू। ये दीनानाथ प्रजापति ने अवैध रूप से मैरिज हॉल का निर्माण कर रखा था, इसका हम लोगों ने वीओ पारित किया है, उसके बाद उसको वसीकरण की कार्रवाई की जा रही है। गोरखपुर में छठ पर्व को स्थापित की गई छठ प्रतिमाओं का विसर्जन बुधवार को राजघाट स्थित बनाए गए कृत्रिम तालाब में हर्षोल्लास के साथ विसर्जन किया गया। इस दौरान ढोल नगाड़े और डीजे की धुन पर नाचते गाते महिलाओं, बालिकाओं और सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने विसर्जन जुलूस में शामिल होकर प्रतिमाओं का विसर्जन किया। विसर्जन के दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स मौजूद रही। पुलिस झंडा दिवस के अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर द्वारा पुलिस लाइन स्थित क्वार्टर गार्ड पर ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर सभी पुलिस कर्मियों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने पर पुलिस ध्वज की गरिमा बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज अवस्थी, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक अपराध इंदु प्रभा सिंह, सहायक पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी कैंट मानुष पारिक व अन्य अधिकारी व कर्मचारी गण मौजूद रहे। 1952 को तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पुलिस कार्य के सभी क्षेत्रों में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुलिस झंडा दिवस 2023 स्थापित किए गए हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में पीएसी महिला बटालियन की स्थापना की गई है।
प्रत्येक जनपद में महिला थाना और अतिरिक्त एक अन्य थाने पर महिला थाना प्रभारी की नियुक्ति की गई है। कमिश्नरेट लखनऊ में महिलाओं की सुविधा हेतु 100 पिंक बूथ की स्थापना की गई है। प्रदेश के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों आदि की अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था हेतु उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल दैवीय तथा अन्य आपदाओं में राहत पहुंचाने के लिए राज्य आपदा मोचन बल SDRF मादक पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम हेतु एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स ANTF के गठन के साथ भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत प्रदेश में भ्रष्टाचार निवारण संगठन की 18 शाखाएं क्रियाशील हैं। वर्तमान में 18 परिक्षेत्रीय मुख्यालयों पर साइबर क्राइम थानों की स्थापना की गई है एवं 57 जनपदीय मुख्यालयों पर साइबर क्राइम थानों की स्थापना से संबंधित कार्रवाई प्रचलित है। साइबर जागरूकता कैंपेन व प्रशिक्षण कार्यक्रम को विभिन्न चरणों में चलाया जा रहा है। गोरखपुर में बेलघाट थाने की पुलिस ने अपराध से संपत्ति अर्जित करने वाले 3 अभियुक्तों की 3 मोटरसाइकिल व 1 स्कूटी को किया जब्त। आपको बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर द्वारा संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने और गंगेश्वर एक्ट के अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत तहसीलदार खजनी व थाना अध्यक्ष बेलघाट की संयुक्त टीम द्वारा अभियुक्त अमन मिश्रा पुत्र अमर बहादुर मिश्रा ग्राम बघेला थाना बेलघाट शिवम उर्फ शिवेंद्र प्रताप सिंह पुत्र राजेश सिंह निवासी ग्राम इधना पार बेलघाट व कृष्ण अग्रहरी पुत्र रमेश अग्रहरी निवासी कस्बा बेलघाट द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति की 4 मोटरसाइकिल को जब्त करने की कार्रवाई की गई। जब्तीकरण की कार्रवाई में शामिल राजस्व व पुलिस टीम में खजनी तहसीलदार दीपक कुमार गुप्ता थाना अध्यक्ष बेलघाट अवधेश चंद्रमेश चौकी इंचार्ज दिनेश कुमार पांडे उप निरीक्षक अवधेश तिवारी उप निरीक्षक ब्रह्मदेव पांडे व उप निरीक्षक अमरेश कुमार सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, थाना बेलघाट क्षेत्र के गैंगस्टर एक्ट के 3 अभियुक्त अमन मिश्रा शिवम सिंह और कृष्णा अग्रहरी जिनके विरुद्ध विवेचना से गैंगस्टर एक्ट में आरोप प्रमाणित होने पर आरोप पत्र में अन्य न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। इनके विरुद्ध छानबीन करने पर अपराध से अर्जित संपत्ति की जानकारी हुई जिसके संबंध में 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत माननीय जिलाधिकारी महोदय को रिपोर्ट प्रेषित की गई और जिलाधिकारी महोदय द्वारा इसमें पारित आदेश के अनुक्रम में इन अपराधियों द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति जिसमें 3 मोटरसाइकिल और 1 स्कूटी शामिल है को 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत आज कुर्क कर लिया गया है और थाना बेलघाट पर